Welcome to our YouTube channel Study Deep. In this video, we will discuss top 20 MCQ questions from Class 11 Biology Chapter 19, excretory products and their elimination. You can keep full quiz on our website. Link is mentioned in description box. Let's start now. First question is, excretory product of mammal is. Mammal ka excretory product kya hai? Salt, glucose, urea ya phir ammonia. ठीक है, तो जो टेरिस्ट्रियल अडेप्टेशन होती है वो इस वजह से होती है कि उनका लेसर टॉक्सिक नाइट्रोजिनस वेस्ट हो, यानी कि यूरिया और यूरिक एसिड वो क्यों करते हैं, क्योंकि कंजर्व करना होता है उनको वाटर को. मैमास जो होते हैं वो टेरिस्ट्रियल मैमास या फिर टेरिस्ट्रियल एम्फीबियंस मैराइन फिशेस, ये मेनली एक्सक्रीट करते हैं यूरिया को. ठीक है, तो मैमास में आएगा जो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है मैमास का वो आएगा यूरिया. ठीक है, इन्हें हम जो मैमास होते हैं और एम्फीबियंस हो गए, ठीक है, ये सारे क्या होते हैं यूरिया को एक्सक्रीट करते हैं, तो इन वजह से इसे कहा जाता है यूरियोटेलिक एनिमल. ठीक है, अमोनिया प्रोड्यूस बाय द मेटाबॉलिज्म, उसको हम यूरिया में कन्वर्ट करते हैं इन द लीवर. ठीक है, एंड रिलीज इन टू द ब्लड which is filtered and excreted out by the kidney. Some amount of urea may be retained in the kidney matrix of some of these animals to maintain a desired osmolarity maintain करने के लिए ये जो होता है यूरिया वो क्या होता है रिटेन रहता है. Next question है कि presence of dash in urine indicate diabetes mellitus, कि यूरिन में क्या प्रेजेंट होने की वजह से डायबिटीज मेलिटस होता है, ग्लूकोज कोलेस्ट्रॉल कीटोन बॉडीज या फिर ग्लूकोज और कीटोन बॉडीज. तो देखो ग्लूकोज और कीटोन बॉडीज के होने की वजह से डायबिटीज मेलिटस होता है. क्या होता है कि अगर आपकी बॉडी में ज्यादातर कीटोन जमा हो जाएगा, कीटोन बॉडी एक्युमुलेट हो जाएगी, तो उसको हम कहते हैं वो भी एक टाइप का डायबिटिक चीज ही होती है जिसे हम कहते हैं कि अगर कीटोन बॉडी जमा हो रही है तो उसे कहते हैं कीटोन्यूरिया. और अगर किसी की बॉडी में ज्यादा ग्लूकोज का अमाउंट हो जाता है तो उसे हम कहते हैं ग्लूकोसूरिया. ठीक है, तो जो ग्लूकोसूरिया और जो कीटोन्यूरिया होती है ये दोनों ही केस होते हैं डायबिटीज मेलिटस के, डायबिटीज मेलिटस इसके केस होते हैं. ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन आएगा ग्लूकोज और कीटोन बॉडी, यानी कि ऑप्शन डी दैट इज फर्स्ट एंड थर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थर्ड क्वेश्चन की किडनी कहाँ है, कहाँ लोकेट होती है, थोरैकिक कैविटी में, एब्डोमिनल कैविटी में, बॉडी कैविटी में या फिर पेल्विक कैविटी में. किडनी जो होती है वो एब्डोमिनल कैविटी में होती है. एक ऐसा ऑर्गन का पेयर होता है किडनी जो कि पोस्टीरियर मस्कुलर वॉल में मिलती है एब्डोमिनल कैविटी के. ये डोर्सल बॉडी वॉल के साथ अटैच होती है एट द 12th थोरैकिक वॉल, 12th थोरैकिक वॉल से 3rd लंबर वर्टिब्रा की तरफ होती है. ठीक है, 3rd लंबर वर्टिब्रा में. ओके, दिस और तो करेक्ट ऑप्शन आएगा हमारा एब्डोमिनल कैविटी. फोर्थ क्वेश्चन है कि टेरिस्ट्रियल एनिमल मस्ट बी एबल टू एक्सक्रीट लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इन यूरिन. जो टेरिस्ट्रियल एनिमल होते हैं वो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर यूरिन में निकालते हैं, कंजर्व करते हैं वाटर को या फिर एक्टिवली पंप करते हैं साल्ट आउट थ्रू द स्किन. ठीक है, एक्सक्रीट करते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ साल्ट इन द यूरिन. एक टेरिस्ट्रियल एनिमल जो होते हैं वो मेनली कंजर्व करते हैं वाटर को. एनिमल जो एक्सक्रीट करते हैं एक्सेस का नाइट्रोजन यूरिया की फॉर्म में वो एनिमल्स कहलाए जाते हैं यूरियोटेलिक. टेरिस्ट्रियल एनिमल्स वाटर को रियली यूज नहीं करते एक्सक्रीशन के लिए क्योंकि वाटर उनके पास कम अवेलेबल हो पाता है. तो अमोनिया जो होता है वो उनका लेस टॉक्सिक सब्सटेंस में कन्वर्ट होता है, सॉल्युबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है और वो होता है यूरिया. ठीक है, मैमास हो गया, सेमी टेरिस्ट्रियल एडल्ट एम्फीबियंस होते हैं वहां पर यूरिया मेजर नाइट्रोजनस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है, इसी वजह से इन्हें हम क्या कहते हैं मैमास को और सेमी टेरिस्ट्रियल एनिमल्स को हम कहते हैं मेनली यूरियोटेलिक. वो टेरिस्ट्रियल एनिमल्स के पास पानी नहीं हो पाता, वो वाटर को कंजर्व करने का काम करते हैं. ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन है कि रीनल मेडुला कंसिस्ट्स ऑफ कॉन शेप टिश्यू मास, वो क्या होता है.
रीनाल मेडुला में कौन शेप के टिश्यू की स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है वो क्या होती है? रीनाल पिरामिड, एडिपोस कैप्सूल, या फिर रीनाल कॉर्टेक्स, या फिर रीनाल पेल्विस। रीनाल पिरामिड जो है वो माल्थेसियन पिरामिड है, माल्थेसियन, ठीक है। तो ये देखिए आप, एक ऐसी कौन शेप की जो स्ट्रक्चर मिलती है वो आपको मिलती है मेडुला पिरामिड कहते हैं, ठीक है। रीनाल पिरामिड नाम की एक स्ट्रक्चर मिलती है जो कि कौन शेप टिश्यू होती है किडनी की, ठीक है। तो सिक्स्थ क्वेश्चन है कि जो फिल्ट्रेट हमें ग्लोमेरुलस से मिलता है उस फिल्ट्रेट के अंदर क्या होता है? यूरिया, यूरिक एसिड, यूरिया, यूरिक एसिड अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड अमोनिया वाटर, या फिर यूरिया, यूरिक एसिड ग्लूकोज वाटर। मेनली जो होता है इसमें उस फिल्टर में, ग्लोमेरुलस वाले फिल्टर में यूरिया, यूरिक एसिड, ग्लूकोज और वाटर होता है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो ग्लोमेरुलर फिल्टर में जो फिल्ट्रेट होता है उसका हम क्या कहलाया जाता है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहते हैं इसे आप, ठीक है। इसके अंदर आपको यूरिया मिल जाएगा, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड, ठीक है, ये सारी चीजें कहते हैं। ऑल द ग्लूकोज इज रीअब्सॉर्ब्ड इमीडिएटली टू द ब्लड कैपिलरी। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा आएगा मेनली ऑप्शन डी। अब ग्लोमेरुलस की अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो ग्लोमेरुलस की स्ट्रक्चर आपको दिखती है ये वाली, ई फ्रंट आर्टियोल होती है, ए फ्रंट आर्टियोल होती है यहाँ पर, ठीक है। तो उसके बाद कैसे कैसे कनेक्शन होता है जस्टा मेडुलरी और जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन है उनका। एक नोच प्रेजेंट होती है मीडियल साइड ऑफ द किडनी में, किडनी के मीडियल साइड में। देखो अगर आप किडनी के मीडियल साइड में एक नोच भी होता है, वो नोच क्या होता है वो बताना है आपको। तो वो नोच क्या होता है? यूरेटर, पेल्विस, हाइलस या फिर पिरामिड। वो जो नोच होती है वो होती है हाइलस, हाइलस या फिर हाइलम, ठीक है। किडनी सराउंड होती है एक टाइप की कैप्सूल से जिसे हम क्या कहते हैं? रीनाल कैप्सूल, ठीक है। जो पॉइंट होता है जहाँ पर रीनाल आर्टरी और वेन एंटर करती है किडनी में, और रीनाल वेन जो होते हैं वो लीव करते हैं किडनी को, वो पॉइंट होता है हाइलम। ये एक टाइप का डीप नोच होता है जो कि किडनी के इनर सरफेस पर प्रेजेंट होता है, हाइलम, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन आएगा हाइलस। एट क्वेश्चन है कि ह्यूमन यूरिन का पीएच कितना होता है? जो ह्यूमन यूरिन का पीएच होता है वो होता है 6, ठीक है। यूरिन एक टाइप का क्लियर ट्रांसपेरेंट पेल येलो कलर का एक्वास बेस्ड प्रोडक्ट है जो कि किडनी प्रोड्यूस करती है, क्लियर ट्रांसपेरेंट पेल येलो एक्वास। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो होता है ब्लड का वो यूजली एसिडिफाइड होता है किडनी से, तो हमें पीएच ऑफ अप्रोक्सीमेटली 7.4 पीएच, ठीक है। और यूरिन में वही पीएच जो होता है वो 6 हो जाता है, ओके। 6 आगे है, कौन सा एक बेसिक रेनाल फंक्शन नहीं है? परफ्यूजन, सिक्रीशन, रीअब्सॉर्प्शन या फिर फिल्ट्रेशन। तो अगर आप देखोगे तो रेनाल का जो फंक्शन है वो मेनली रेनाल फंक्शन आता है फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन पहला फंक्शन है। फिल्ट्रेशन जो होता है वो होता है ग्लोमेरुलस में, ठीक है। उसके बाद जो हमारा रीअब्सॉर्प्शन का जो काम है वो होता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूबुल में, ठीक है। और जो सिक्रीशन है ये भी एक टाइप का फंक्शन है, ये तीनों फंक्शन हो गए। परफ्यूजन का मतलब होता है ये एक टाइप का बेसिक रेनाल फंक्शन नहीं है, इसमें क्या होता है कि फ्लूड जो होता है वो सर्कुलेटरी सिस्टम से ऑर्गन की तरफ जाता है, जो भी फ्लूड होता है वो सर्कुलेटरी सिस्टम या फिर लिम्फेटिक सिस्टम से ऑर्गन की तरफ मूव करता है, तो वो एक टाइप का बेसिक रेनाल का फंक्शन नहीं है, ठीक है। आगे है 10th क्वेश्चन कि नर्व्स होते हैं ब्लड वेसल्स और यूरेटर एंटर होती है किडनी में थ्रू द सैलेक्स, हाइलम, कैप्सूल या फिर कॉर्टेक्स। जो नर्व्स होते हैं ब्लड वेसल्स होते हैं यूरेटर किडनी में एंटर करती है किसके थ्रू? वो करती है एंटर हाइलम के थ्रू। हाइलम एक टाइप का कनकेव पार्ट होता है बीन शेप का, जहाँ पर ब्लड वेसल्स और नर्व एंटर करती है एग्जिट करती है, इसको हम एग्जिट पॉइंट भी कहते हैं यूरेटर का। यूरेटर का एग्जिट पॉइंट भी होता है और बिगिनिंग पॉइंट भी होता है, जहाँ पर एंटर पॉइंट भी है और एग्जिट पॉइंट भी है, ठीक है, हाइलम। 11th क्वेश्चन है कि एक पेशेंट जो है वो कॉलेरा से सफर कर रहा है, ठीक है, उसे हम सलाइन ड्रिप दे रहे हैं क्योंकि क्लोरीन आयन इम्पोर्टेंट कॉम्पोनेंट है ब्लड प्लाज्मा के, सोडियम आयन वाटर की रिटेन में हेल्प करते हैं, सोडियम आयन इम्पोर्टेंट होते हैं सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, सोडियम आयन जो होते हैं वो HCl की फॉर्मेशन करते हैं स्टमक में डाइजेशन करने के लिए। तो एक पेशेंट जो कॉलेरा से सफर होता है वो क्या होता है कि कॉलेरा सबसे पहले तो आप देखो कि कॉलेरा एक डिजीज होती है, कॉलेरा वैक्सीन, कॉलेरा टॉक्सिन से डिजीज होती है, ठीक है। वो एक टाइप की क्या होती है? विब्रो कॉलेरा, एक टाइप के
इस ऑर्गेनिज्म से विब्रो कॉलरा से एक कॉलरा नाम की डिजीज होती है जिसका सिम्टम होता है डायरिया वोमिटिंग। इसमें मेनली क्या होता है कि डिहाइड्रेशन हो जाता है बॉडी से। तो ये हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि इसमें से वाटर का लॉस होगा। कॉलरा टॉक्सिन क्या करता है, एक्टिवेट कर देता है एडिनाइल साइक्लेज एंजाइम को, जिसकी वजह से कॉन्टिन्यूस जो होते हैं बाइकार्बोनेट आयन और वाटर निकलते रहता है इंटेस्टाइन में। सेलाइन ट्यूब में सोडियम आयन जो होते हैं वो मेंटेन करते हैं सोडियम पोटेशियम पंप को और वाटर को रिटेन करने के लिए। सेलाइन ट्यूब जो होता है वो ग्लूकोज भी प्रोवाइड करता है जो कि एनर्जी देते हैं। तो पेशेंट जो कॉलरा से सफर करते हैं उनको सेलाइन ट्यूब दिया जाता है। सोडियम आयन जो होते हैं वो वाटर की रिटेंशन में हेल्प करते हैं। तो करेक्ट आंसर आएगा सोडियम आयन। सोडियम आयन वाटर की रिटेंशन में हेल्प किए जाते हैं। सोडियम आयन जो होते हैं वो वाटर की रिटेंशन में हेल्प करते हैं। ट्वेल्थ क्वेश्चन है कि यूरिक एसिड नाइट्रोजनस वेस्ट में क्या कहाँ होती है। नाइट्रोजनस वेस्ट यूरिक एसिड जो की फॉर्म में जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है वो किसमें होता है। यूरिक एसिड नाइट्रोजनस वेस्ट किसमें है, मैमास में और मोलस्कस में, बर्ड्स और लिजर्ड में, फ्रॉग और कार्टिलेजिनस फिश में, या फिर इंसेक्ट और बॉडी फिश में। यूरिक एसिड नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो मेनली कहाँ है। देखो बर्ड्स रेप्टाइल्स और मोस्ट टेरिस्ट्रियल आर्थ्रोपोड जैसे कि इंसेक्ट है वहां पर यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म है। वो यूरिया अमाउंट सॉरी टॉक्सिक अमोनिया को यूरिक एसिड में या फिर क्लोजली रिलेटेड कंपाउंड ग्वानिन में कन्वर्ट कर देते हैं यूरिया की बजाय। तो वो अमोनिया जो वाले जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। और ये कौन कौन से आ जाते हैं, मेनली बर्ड्स और रेप्टाइल्स। तो बर्ड्स और लीजर इसका करेक्ट आंसर आएगा। 13 क्वेश्चन है कि एक पर्सन जो है वो से प्रोलॉन्ग काफी टाइम तक वो फास्टिंग कर रहा है, उसका जो यूरिन है उसमें अब नॉर्मल क्वांटिटी किसकी होगी, फैट की, अमाइनो एसिड की, ग्लूकोज की या फिर कीटोन की। अगर वो प्रोलॉन्ग फास्टिंग कर रहा है तो ग्लूकोज जो होता है वो अनअवेलेबल हो पाती है प्रोलॉन्ग फास्टिंग के दौरान। बॉडी जो होती है वो जो भी एक्यूमुलेट किया होता है फैट उसको यूज करने लग जाती है अपनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। इस दौरान क्या होता है कि फैट मेटाबॉलिज्म होता है, तो उससे क्या होगी कीटोन प्रोड्यूस होगा जो कि अल्टीमेटली ब्लड कीटोन का लेवल बढ़ा देगा। जनरली रीऑब्जर्व किया जाता है ब्लड फिल्ट्रेशन के थ्रू किडनी के द्वारा, ठीक है। तो क्या होता है कि लेवल कीटोन में ब्लड का लेवल बढ़ जाएगा, रीअब्जॉर्प्शन कैपेसिटी जो होगी किडनी की वो प्रोलॉन्ग फास्टिंग के दौरान बढ़ जाएगी। तो कीटोन जो होगा वो स्पिल ओवर होगा इनटू द यूरिन। तो हाई लेवल लीड टू द डिहाइड्रेशन एंड चेंज द केमिकल बैलेंस ऑफ द ब्लड। तो मेनली अगर कोई बंदा प्रोलॉन्ग फास्टिंग कर रहा है, कोई इंसान क्या कर रहा है कि काफी टाइम से फास्टिंग कर रहा है, तो उसका जो यूरिन है उसमें प्री लॉन्ग मतलब काफी टाइम तक फास्टिंग करने के बाद उसके पास फैट का डाइजेशन होने लग जाएगा। और फैट की डाइजेशन एक्यूमुलेट होने से आपको क्या होगा कि फैट का कैटाबॉलिज्म होने से अल्टीमेटली कीटोन बॉडीज प्रोड्यूस होने लग जाएंगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किडनी में ऑस्मोटिक प्रेशर किसको कंट्रोल करता है, ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को, सोडियम के एब्जॉर्प्शन को, वाटर के एब्जॉर्प्शन को या फिर नन ऑफ दिस। किडनी में ऑस्मोटिक प्रेशर किस चीज को कंट्रोल करता है, पहले तो ये बता दें कि जो किडनी है किडनी में ऑस्मोटिक प्रेशर कंट्रोल करता है वाटर की एब्जॉर्प्शन को, ठीक है, वाटर के एब्जॉर्प्शन को मेंटेन करने के लिए ही होता है। 15 क्वेश्चन की दो किडनी मैन में होती है सेम लेवल, ओवरी के सेम लेवल पर या फिर वैसे ही लेफ्ट किडनी राइट किडनी सेम लेवल पर होती है। लेफ्ट किडनी हाईर लेवल पर होती है राइट वन के कंपैरिजन में, या फिर राइट किडनी हाई लेवल पर होते हैं लेफ्ट वन के कंपैरिजन में। किडनी एक टाइप की रेट्रोपेरिटोनियल होती है, एब्डोमिनल कैविटी में होती है। लेफ्ट किडनी स्लाइटली एलिवेटेड होती है राइट किडनी कंपैरिजन में क्योंकि लार्ज साइज होता है लीवर का राइट साइड पर, ठीक है। लेफ्ट किडनी जो होती है वो एलिवेटेड है, लार्ज साइज इसका है यहाँ पर राइट साइड पर ड्यू टू द लार्ज साइज ऑफ द लीवर। लीवर का लार्ज साइज होता है राइट साइड पर जिसकी वजह से लेफ्ट किडनी स्लाइटली यहाँ पर टिंटी होती है। लीव्स जो मसल्स होती है बैक की वो किडनी को एक्सटर्नल डैमेज से बचाती हैं। एडिपोज टिश्यू जिसे हम पेरिनियल फैट होता है कहते हैं वो किडनी को सराउंड करता है और एक टाइप की प्रोटेक्टिव पैडिंग प्रोवाइड करता है। लेफ्ट किडनी हाइयर लेवल पर होती है राइट किडनी के कंपैरिजन में, लेफ्ट किडनी हाइयर लेवल पर होती है राइट किडनी के कंपैरिजन में, ठीक है। 16 क्वेश्चन है कि अगर एक बच्चा लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटीन ले रहा है तो वो
एक्सक्रीट करेगा मोर अमाउंट ऑफ ग्लूकोज को, यूरिया को, यूरिक एसिड को, वाटर को या फिर सॉल्ट को। अगर एक बच्चा लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटीन ले रहा है तो वो एक्सक्रीट करेगा मोर नंबर ऑफ किस चीज को, ठीक है। देखो ग्लूकोज नाइट्रोजन जो होता है वो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है अमाइनो एसिड और प्रोटीन का। ह्यूमन जो होता है अगर वो अमाइनो एसिड अपनी डाइट से ले रहे हैं तो अमाइनो एसिड कैटेबलाइज होंगे एनर्जी को रिलीज करने के लिए और ग्लाइकोजन और फैट की सिंथेसिस करते हैं, ठीक है। तो प्रोटीन कैटाबलाइज होगा, एसक्रिटरी एंड प्रोडक्ट जो बनेंगे वो क्या होंगे, यूरिया और यूरिक एसिड। जब भी प्रोटीन मेटाबलाइज होगा, प्रोटीन टूटेगा तो यूरिया और यूरिक एसिड बनते हैं, ठीक है। 17 क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो होती है वो एक्सक्रीशन के कंसेप्ट में ह्यूमन किडनी में करेक्ट है। असेंडिंग रिंग ऑफ ग्लूकोफेनॉल इज इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट, डिसेंडिंग रिंग ऑफ ग्लूकोफेनॉल इज इम्परमिएबल टू वाटर, या फिर डिस्टल फॉर्मुलेटेड ट्यूब्यूल जो होते हैं वो इनकेपेबल होता है रीअब्सॉर्ब करने के लिए HCO3। नियरली 99% जो होता है ग्लोबुलर फिल्ट्रेट होता है वो रीअब्सॉर्ब किया जाता है जिनान किडनी से। तो क्या होता है, जैसे 99% होता है ग्लोबुलर फिल्ट्रेट वो रीअब्सॉर्ब किया जाता है जिनान किडनी से, ये करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। इसमें क्या बात हो रही है कि 99% जो ग्लोबुलर फिल्टर है वो रीअब्सॉर्ब करेगा जिनान की सारी के सारी ट्यूब्यूल। डिसेंडिंग लिंब जो होता है जिसे हम कहते हैं डिसेंडिंग लिंब जो होता है ग्लूकोफेनॉल का, वो क्या करता है, डिसेंडिंग लिंब को परमिएबल होता है वाटर से, ठीक है। अब डिस्टल फॉर्मुलेटेड ट्यूब्यूल जो होता है वो ऑब्जर्व करता है सोडियम को, ठीक है। डिसेंडिंग लिंब जो होता है वो परमिएबल होता है वाटर को, वो वाटर को परमिएबल होता है, डिस्टल फॉर्मुलेटेड ट्यूब्यूल सोडियम को करता है। असेंडिंग लिंब जो होता है वो क्या करता है, वो इलेक्ट्रोलाइट के लिए परमिएबल होता है। असेंडिंग लिंब जो होता है वो मेनली इलेक्ट्रोलाइट के लिए परमिएबल होता है। 18 क्वेश्चन हमारा क्या है कि एवरेज ब्लड फिल्टर किया जाता है किडनी से पर मिनट, एक मिनट में एवरेज ब्लड जो किडनी से फिल्टर किया जाता है वो कितना होता है। एवरेज ब्लड जो होता है वो 1100 से 1200 ml होता है ब्लड जो किडनी से फिल्टर किया जाता है हर मिनट में, जो कि 1/5 ऑफ द ब्लड पंप है ईच वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट। एक वेंट्रिकल से मतलब क्या होता है कि कितना ब्लड पंप होता है उसका 1/5 पार्ट जो होता है वो किडनी से 1100 से 1200 ml ब्लड जो होता है वो मेनली फिल्टर किया जाता है। 1100 से 1200 ml ब्लड फिल्टर किया जाता है किडनी से पर मिनट में, जो कॉन्स्टिट्यूट करता है 1/5 ऑफ द ब्लड पंप ऑफ द ईच वेंट्रिकल, ठीक है। 19 क्वेश्चन है कि प्रिंसिपल नाइट्रोजिनस एक्सक्रीटरी कंपाउंड ह्यूमन में कौन सा है। लीवर में जो एलिमिनेटेड किया जाता है मोस्टली थ्रू द किडनी, किडनी जो होती है वो एलिमिनेटेड होती है बट क्या होता है कि मोस्टली थ्रू द लीवर। मेनली प्रिंसिपल नाइट्रोजिनस वेस्ट जो होता है वो किडनी से निकाला जाता है बट एलिमिनेट होता है, मतलब वैसे तो किडनी लीवर में क्या होता है नाइट्रोजनस वेस्ट एक्युमुलेट होता है लेकिन एलिमिनेट किया जाता है मोस्टली थ्रू द किडनी से। लीवर में अमोनिया जो है वो कन्वर्ट हो जाता है नाइट्रोजिनस एक्सक्रीटरी कंपाउंड यूरिया के अंदर, थोड़ा यूरिया कहते हैं क्योंकि देखो अगर आप बात करोगे तो अमोनिया जो है वो यूरिया में कन्वर्ट होगा थ्रू द प्रोसेस ऑफ यूरिक साइकिल, जिसे हम कहते हैं यूरिया साइकिल, ये होती है लीवर के अंदर। ये यूरिया अब एक्सक्रीट किया जाएगा ऑर्गन से, जैसे कि स्किन हो गया, किडनी हो गया, इवन सलाइवा, बट मेजर पार्ट ऑफ एक्सक्रीट किया जाता है किडनी से। बाइल जो लीवर से सिक्रीट होता है वो वर्क करता है फैट को एमल्सीफाई करने में, तो इसका रोल नहीं होता एक्सक्रीशन ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट में, मतलब ये नहीं होता कि ये नाइट्रोजिनस वेस्ट का एक्सक्रीशन करता है लीवर। लीवर से क्या करता है कि जो भी एसक्रिटरी प्रोडक्ट है उसको अमोनिया जो है उसको यूरिया में कन्वर्ट करेगा, बाकी बाइल जूस निकालना और डाइजेशन करना वो उसका काम है लीवर का, ठीक है। आगे लास्ट क्वेश्चन है हमारा, मेसोनेफ्रिक किडनी कहाँ से डेवलप होती है। एंटीरियर पार्ट ऑफ नेफ्रोटोम से, मिडिल पार्ट नेफ्रोटोम के, पोस्टीरियर पार्ट नेफ्रोटोम से। जो मेसोनेफ्रिक किडनी जो होती है वो मेनली एम्फीबियंस होते हैं उनके पास मेसोनेफ्रिक टाइप ऑफ किडनी होती है। ये जो किडनी होती है वो मेसोनेफ्रिक ट्यूब्यूल से डेवलप होती है इंटरमीडिएट मेसोडर्म से, ये मेनली एडल्ट एम्फीबियंस से मिलती है। तो ये कहाँ से होती है, मिडिल पार्ट ऑफ नेफ्रोटोम से, जो कि मेसोनेफ्रिक किडनी एराइज होती है।
मेसोनेफ्रिक किडनी जो होती है वो कहाँ से अराइज होती है, वो होती है मिडल पार्ट ऑफ नेफ्रोटोम, नेफ्रोटोम के मिडल पार्ट से मेसोनेफ्रिक किडनी अराइज होती है। ठीक है, दिस इज अवर लास्ट क्वेश्चन। यू कैन गिव फुल क्विज ऑन अवर वेबसाइट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।